ये ब्यूटीफुल नेकललेस बनाने के लिए ये 5 mm की पर्ल है और ये 4 mm की है। अपने हिसाब से कोई और भी साइजेस यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो निडल है वो ध्यान रखें कि उसकी आई बहुत स्मॉल होना चाहिए, जो इजीली पर्ल में से पास हो सके। और मैंने इसमें सिंगल स्ट्रेंथ थ्रेड यूज़ किया है और इसे डबल किया है और नॉट लगा दिए मैंने इसमें। अब इसे अंदर से हाइड करते हुए एक डिज़ाइन के बीच में थोड़ा गैप रखते हुए, थोड़ा गैप मेंटेन करते हुए इस तरह से निडल को निकालेंगे। अब पर्ल ऐड करेंगे, 4 white 1 green ऐड करेंगे। ये जो फर्स्ट पर्ल है बेस की, इसमें से निडल निकाल देना है। इस तरह से राउंड बन जाएगा। इसे स्टेबलाइज करने के लिए फैब्रिक में अटैच कर दे टाइटली, ताकि हमारी डिज़ाइन बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छी बने। ये मैंने इसे अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद ये 3 पर्ल्स में से पास करते हुए दूसरे साइड आना है। और 3 पर्ल्स ऐड करेंगे और ये फर्स्ट पर्ल जो बेस में है इसमें से बाहर निकाल देना है। इसे टाइटली निकालते हुए सेंटर की पर्ल को इस तरह से शेप देंगे। इस तरह से ये गोल हो जाएगी। अब हमें 2 पर्ल्स में से निकालते हुए यहाँ पर पहुँचना है। इस तरह से अब हमें ये आर्च बनानी है, तो इसीलिए यहाँ पर टाइट करते हुए यहाँ पर पहले नॉट लगाएंगे हम ये पर्ल के बाद। तो इस तरह से निडल इंसर्ट करते हुए एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेते हुए यहाँ पर एक नॉट लग जाएगी। नॉट लगाने के बाद इस तरह से ये देख सकते हैं, ये 1 फिंगर के जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर रखते हुए एक लूप बनाएंगे। इसमें ये यहाँ पर इसे अटैच करेंगे इस तरह से। इस तरह से अब ये लूप को डबल करेंगे यहाँ पर आके। ये ऊपर जो नॉट है इसमें मैंने अटैच किया और यहाँ पर इसे डबल कर दिया। अब इसके ऊपर हमें बटन होल स्टिचेस बनाने हैं। जितने यहाँ पर बनाए हैं उतने ही बनाने हैं ताकि इक्वल दिखाई दे। यहाँ पर 8 बनाया है तो यहाँ पर भी 8 बटन होल स्टिचेस बनाएंगे। एट बटन होल स्टिचेस बनाने के बाद इसे अटैच कर देंगे यहीं पर इसी के साइज के हिसाब से। इस तरह से तो इस तरह से ये 7 इस तरह से बीट है, एक सेंटर में 8 बीट लगाते हुए आर्च बनाते हुए ये कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है अंदर से निडल निकालते हुए हल्का सा एक पर्ल का, और फिर सेम रिपीट करेंगे और ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन इसी तरह कंप्लीट करें।